नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिराग और आप देख रहे टेक्निकल पंडित। तो आज मैं बहुत ही यूनिक पेन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ, जो यहाँ पे अपना 3D पेन है। थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आया था वो, मतलब बहुत ही लोग उसको खरीदना चाह रहे थे, और अभी ये मेरे को डील में मतलब 1000 रुपये मिला, मतलब 999 मिला। वैसे इसकी प्राइस 1700 रुपये थी, वो ये मेरे को बहुत ज्यादा सस्ता मिला। और आपको नीचे लिंक दिए, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे हमको बॉक्स मिला, हमको फुल किट मिली, मतलब उसके अंदर हमको सब कुछ मिलता है। तो चलिए इसको अपन अनबॉक्स करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अगर आपको भी कोई वीडियो, मतलब आप चाहते हो कि मैं इस चीज की वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, और फिर मैं कमेंट पिन कर लूंगा, फिर मैं मतलब और फिर मैं उस चीज की वीडियो बना दूंगा, और जो भी आप कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, बस ये थोड़े मतलब प्राइस लिमिट में बोलना, जैसे कि कोई बोलेगा आईफोन, कोई ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा, पर जो छोटी छोटी चीजें वो चीज मैं कर सकता हूँ। पैकेजिंग हमको यहाँ पे बहुत अच्छी पैकेजिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारी मेन किट है, तो हम उस कचरे को साइड रखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 3D पेन है अपना, और यहाँ पे भी दिखा है 3D पेन, और नॉर्मल बॉक्स से ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पे इसकी पेन की इमेज बनाई गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं, और इस साइड इसका कैसे यूज करना है इसको वो भी लिखा गया है, और इस साइड इसके कलर लिखे गए हैं। अपन ने यहाँ पे पिंक कलर है शायद से अपना, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको कुछ यहाँ पे अपना अभी अपनी कुछ चीज़ें मिली हैं। और यहाँ पे जो अंदर अपने यहाँ पे वायर डलेगा, ये वायर मिला अपन को, और ये अपना इंस्ट्रूमेंट मिला, और यहाँ पे हमारा चार्जर है, और यहाँ पे हमारा ये मतलब स्टैंड है, इससे हम इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा मैं। और बॉक्स अपना पूरा खाली, तो बॉक्स को अपन साइड रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमको हमारे यूजर मैनुअल देखने मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको उसको संभाल के रखना है। और यहाँ पे हमको हमारा वायर भी देखने मिलता है, हमारा वायर है यहाँ पे, ये PLA और एक ABS भी आता है, दो तरीके के वायर आते हैं अपने यहाँ पे, PLA है, और यहाँ पे हमारा अडेप्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे, देखते वायर की क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को पर्सनली तो। और यार अगर आप कोई भी छोटा बच्चा अगर उसको गिफ्ट देना चाहते हैं, बर्थडे गिफ्ट, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है ये, और आप मतलब बच्चा है तो बहुत अच्छे तरीके से सीख भी सकता है वो। और हमारा चार्जर है, और यहाँ पे चार्जर की क्वालिटी भी अच्छी है, और यहाँ पे ये अपना 12 वोल्ट का चार्जर है, 2 एम्पीयर का है, और मेड इन चाइना है। और यहाँ पे अपन अपने यहाँ पे देखते हैं, ये अपना होल्डर है। और एक और चीज़ है, मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं और आपको बनाना सीखना है, तो आप इस पर बनाना भी सीख सकते हैं, कि हमको कैसे बनाना है, और मैं वो आपको बना के भी दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे अपनी मेन मशीन है, ये हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे देखते हैं मशीन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हैवी वेट में आती है मशीन। और यहाँ पे हमारा चार्जिंग लगेगा, और यहाँ पे हमारा अपना वायर डलेगा, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपने बटन दिए गए हैं, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अभी, बस वीडियो में बने रहे। और अपना अपना होल्डर देखना होता है, बाय चांस आपको इसको मतलब 2 मिनट रखना हो तो आप इस पर ऐसे रख सकते हैं। और तो चलिए अपन अब इसमें ट्राई करते हैं कैसे बनाएंगे अपन, तो वो भी अपन करते हैं। चलो इसमें अपन पिन लगा लेते हैं अपने, और अपन अब इसमें मतलब अपन को अपने सॉकेट में लगा देना है इसको। और यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने इसको सॉकेट में लगाया, यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट आ चुकी है, और हम इसको सेट कर देंगे इसमें। और यहाँ पे देखते हैं, ये अपना ABS है, और ये अपना PLA है, तो यहाँ पे अपन अब इसको यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर सेट हो जाएगा, और जैसे टेम्परेचर सेट हो जाएगा अपन को इसके अंदर अपनी वायर डाल देनी है। तो जब तक अपन अपनी वायर को खोल लेंगे, यूज़ करके दिखा सकते हैं अपने बच्चों को। और यहाँ पे अपना वायर देखने को मिलता है, और जैसे यहाँ पे इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइट आ जाए ना, जैसे ही अपन को उसके अंदर वायर डाल देना अपना, और अपन अब इसमें अपना वायर डाल देंगे। और यहाँ पे आपको आगे पुश करके रखना है ऐसे, जैसे आप आगे पुश करके रखेंगे वायर ऑटोमेटिकली इसमें अंदर डालना रख जाएगा, इतना आपको आवाज़ भी आ रही होगी।
और अपना अभी होल्डर को अपना थोड़ा साइड रखेंगे। तो यहाँ पे देख, तो मैंने इसको कार्डबोर्ड के ऊपर रख लिया है और अपन अब इसमें ड्रॉ करते हैं अपना। तो यहाँ पे थोड़ा गर्म है तो आप थोड़ा इजीली ड्रॉ करना। जब वो फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। और अपन अब इसको ड्रॉ करेंगे अपना। यार थोड़ा हार्ड है ये करना और मशीन बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसको करने में। यहाँ पे मैं इसको होल्डर में लगा दूंगा अपना। और यहाँ पे हमको थोड़ा वेट करना है ना, 10-5 मिनट तो ये सूख जाएगा अपना। आपको 10-5 मिनट वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सूख चुका है वैसे तो अपना। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हें इतनी गंदी क्वालिटी का कागज़ दिया ना, तो कागज ही निकल रहा है वो। ये देखते हैं अब निकला है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आने वाली है। और इसको भी अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, कागज़ निकल रहा है इसमें तो। यहाँ पे देखते हैं। तो यार फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो शायद से आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे मैंने उसमें देखा था कि है ना, मतलब ऐसे ही खड़ा भी हो जाता है, तो वो भी अपन करके देखते हैं। यहाँ पे स्टेबल तो नहीं है ये, तो खड़ा भी नहीं हो रहा है, देखते हो। वापस से करके देखते हैं अपन। और बहुत जल्दी सूख जाता है ये, बिल्कुल ग्लूगन की तरह ही है। यहाँ पे देखते हो, इधर खड़ा क्यों नहीं हो रहा? वीडियो में तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं यार। चलो अपन ऐसे कुछ ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। और अब उसको निकाल के देखते हैं अपना। आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब अपन फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो। यह इसमें बहुत अच्छी तरीके से हो गया। यहाँ पे देखते हैं, हाँ इसमें देखो कितना अच्छा, मतलब इजीली छूट चुका है। और मतलब अच्छी चीज़ है, मेरे को अच्छा लगा। आप मतलब कोई भी अपना आर्ट वगैरह बनाते हो, कुछ और भी बना के देख सकते हैं। थोड़ा ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है तो आप उसके लिए ले सकते हैं, और सही है प्रोडक्ट तो। और अब इसको तो ऑफ कर देंगे, क्योंकि मशीन थोड़ी गर्म हो चुकी है। और आप मतलब कम से कम इस, आपका बच्चा 15 साल का होना चाहिए, क्योंकि यार ये मशीन मतलब गर्म हो जाती है तो आपके बच्चे को मतलब लगने का डर रहेगा। तो थोड़ा आपका अगर बड़ा बच्चा है तो ले सकता है, अगर छोटा बच्चा है तो नहीं ले सकते। मशीन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और 1000 रुपये में सही है यार। और ग्लूगन की तरह, जैसे अपनी ग्लूगन आती थी ना, उस टाइप से मतलब कुछ है ये। और मैं होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी थोड़ी, मतलब वीडियो अच्छी नहीं बन पाई क्योंकि यार मेरे को ये आदत नहीं है, और फर्स्ट टाइम मैंने भी किया था। आप मतलब आप भी फर्स्ट टाइम करोगे, आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि नहीं हो पाता है। अभी देख सकते हैं, मैंने कम से कम मेरे को आधा घंटा लगा ये बनाने में ये। और ये मैंने एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाया मैंने एक, और ये तो बिल्कुल, ये तो टट्टी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ऐसे मतलब जैसे कि मतलब उठाई किसी घर टाइप की चीज़ें बनानी है ऐसे मतलब खड़े करके, तो यहाँ पे एक बटन है जो मैं बताना भूल गया वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे जितना आप इसको नीचे रखेंगे उतना स्लो निकलेगा, और जितना आपको ऊपर रखेंगे उतना फास्ट निकलेगा। तो आपको इसको मीडियम पे रखना है, ज़्यादा नहीं तेज़ रखना है। और आप जैसे कि ऑटो सेट है टेम्परेचर इसका वैसे तो, और ये ज़्यादा ज़्यादा 190 तक जाएगा, पर आपको इसको 192 पे करना है, वो आपका बेस्ट रहेगा।
और मुझे तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और थोड़ा बस यही है, आप अपने अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो आप उसको ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और मैं एक दो बार तो मेरा हाथ भी जल चुका है इससे। और इसको नीचे रख देते हैं, और मेरा मतलब यहाँ पे रुको, मैं आपको निकाल के दिखा दूँ इसको, बिल्कुल ख़त्म। और मैं होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। और ये ज़्यादा खास तो नहीं बना, पर आप कोशिश करते रहेंगे तो ये अच्छा बना पाएंगे। और मैंने आधे घंटे में बनाया है इसको, इसको आधे घंटे में बने, बहुत ट्राई करा जब जाके लास्ट ये बना है। तो मैं होप करता हूँ आपको अच्छी लगी, और ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Close doors, I'm a fool for your love.